बनारस बहुत ही प्राचीन शहर है। बनारस शहर के पास ही गंगा नदी है। यहाँ बहुत बड़ा शमशान घाट है। शमशान घाट के पास ही गार्डन भी बना हुआ है, गांधी गार्डन। उसमें अनेक तरह के फूल लगे हुए हैं। शहर में और भी बहुत से गार्डन हैं, पर इससे अच्छा गार्डन कहीं भी नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, तरह तरह के फूलों से सजा हुआ है। बच्चों के खेलने के लिए झूले बने हुए हैं, जिस पर बच्चे झूला झूल रहे हैं। शमशान नजदीक होने की वजह से रात में वहां पर चुड़ैल की आवाज आती थी, इसलिए रात में उस गार्डन में कोई डर से नहीं जाता था। गार्डन के बाहर लिखा था कि रात को गार्डन में जाना सख्त मना है। चौकीदार भी शाम को गेट बंद करके वहां से चला जाता है। सुबह होते ही गार्डन में सब लोग आ जाते हैं। दिन में गार्डन में लोग हंसते खेलते रहते थे। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, औरतें सभी दिन में उस गार्डन में आते थे और शाम होते ही सब वापस लौट जाते थे। चौकीदार शाम 5 बजे के बाद गार्डन को बंद करके चला जाता है। एकदम सुनसान हो जाता है और फिर चुड़ैल वहां पर खेलती रहती है, पर वो लोगों को दिखाई नहीं देती है। गांधी गार्डन के पास ही एक ऑफिस है जिसमें पूजा भी जॉब करती है। वही पूजा गार्डन में गई, खूबसूरत फूलों को देखकर खुश हो गई। उसने इतने प्यारे फूल और इतना खूबसूरत गार्डन कभी नहीं देखा था। फूलों को देखकर उसे लालच आ गया। उसने सोचा, ये पीला वाला फूल, वाह कितना सुंदर लग रहा है। कितने प्यारे प्यारे फूल हैं यहाँ पर। ढेर सारे फूल मैं तोड़ लेती हूँ और मंदिर में चढ़ाने के काम आएंगे। कोई देख ना ले मुझे। सबकी नजरों से बचती हुई धीरे धीरे वो उठकर फूलों के पास गई और इधर उधर देखा, फिर एक फूल तोड़ लिया। जैसे ही उसने एक फूल तोड़ा, वैसे ही एक चुड़ैल प्रकट हो गई। वो चुड़ैल पूजा के सामने खड़ी हो गई। वो बहुत डरावनी है। पूजा चुड़ैल को देखकर डर गई और भागने की कोशिश करने लगी, पर वो भाग ना सकी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बांध दिया हो। उसने बहुत कोशिश की, पर वो हिल भी नहीं पाई। पूजा, भागने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। तुमने फूल को हाथ कैसे लगाया? तुमने गार्डन का फूल क्यों तोड़ा? तुम्हें पता नहीं मुझे ये सारे फूल कितने पसंद हैं? और मैं रात को इन सारे फूलों की देखभाल करती हूँ, दिन में चौकीदारी करती हूँ। तुम इसे नुकसान पहुँचाना चाहती हो? इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। सजा? मतलब किस तरह की सजा? तुमने एक फूल तोड़ा है, इसलिए तुम्हें एक फूल बना देती हूँ। इसके बाद उस फूल की जगह पूरी हो जाएगी। पूजा गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी। नहीं, सजा मत दो, मैं आगे से कभी कोई फूल नहीं तोड़ूंगी। तुमको सजा जरूर मिलेगी। गार्डन में पूजा की मदद के लिए कोई नहीं आया। लोगों ने देखा वो रो रही है, पर लोगों को चुड़ैल नहीं दिखाई दे रही। चुड़ैल जोर जोर से हंस रही है। प्लीज मुझे फूल मत बनाओ, मेरा एक प्यारा सा बेटा है, वो अकेला है। रात में घर नहीं जाऊंगी तो बहुत परेशान हो जाएगा। बच्चे के ऊपर दया करो, और वैसे भी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। सजा देना मेरा काम है, गलती करना तुम्हारा काम है। बच्चे की बात सुनकर मैं तुम्हारी सजा थोड़ा कम कर देती हूँ, लेकिन सजा तो जरूर मिलेगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से मैं कोई गलती नहीं करूंगी। मैंने भी एक ऐसी ही गलती की थी और उस गलती के कारण मुझे मरना पड़ा और मैं चुड़ैल बन गई। अब तुम्हें मैं फूल बना दूंगी।
खूबसूरत फूल। प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करो, मेरे बच्चे के बारे में सोचो प्लीज। तुम्हें हमेशा के लिए फूल नहीं बना रही हूँ, तुम्हें दिन भर फूल बनाकर रखूंगी। और रात को तुम जा सकती हो, जब सूर्य डूबेगा तब चली जाना और सूर्य उगने से पहले आ जाना। अगर तुम नहीं आई तो तुम घर पर फूल बनकर ही रह जाओगी। लेकिन इससे छुटकारा पाने का कोई तो उपाय होगा कि मैं फिर से आम इंसान बन जाऊं? हाँ, एक उपाय तो है। अगर किसी ने तुम्हें फूल के रूप में पहचान लिया कि तुम पूजा हो, उस दिन मेरा जादू टूट जाएगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाओगी। इतना कहने के बाद चुड़ैल ने पूजा को खूबसूरत फूल बना दिया और वो एक डाली से जाकर चिपक गई। दिन भर धूप में पड़ी पड़ी पूजा को बहुत तकलीफ हो रही थी। शाम हुई, चौकीदार गेट बंद करने ही वाला था कि अपने आप पूजा फूल से वापस औरत बन गई। वो गेट से बाहर आ गई और चौकीदार ने गेट बंद कर दिया। पूजा अपने घर चली गई तो देखा उसका 10 साल का बेटा मृणाल रो रहा था। माँ को देखकर वो भागकर उसके पास आया और माँ ने उसे गले लगा लिया। माँ, तुम दिन भर कहाँ थी? मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। पूजा ने सब कुछ अपने बेटे को बता दिया। मैं गार्डन में एक फूल तोड़ रही थी, एक चुड़ैल ने गार्डन में मुझे फूल बनाकर एक पेड़ से लगा दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? बेटा, मैं सच कह रही हूँ। अगर मुझे कोई पहचान ले तो चुड़ैल के जादू से मैं छुटकारा पा सकती हूँ। फिर मैं उस गार्डन में कभी नहीं जाऊंगी। अगर कोई नहीं पहचान पाया तो मुझे रोज दिन भर फूल बनकर रहना होगा और सिर्फ रात में ही घर आ पाऊंगी। माँ, तुम फिक्र मत करो, कल ही मैं तुम्हें पहचान लूंगा। तुम सुबह चली जाना, मैं आ जाऊंगा, तुम्हें छुड़ा कर लाऊंगा। लेकिन कैसे बेटा? ये बात तो मुझे नहीं पता है, पर मैं पहचान लूंगा। सुबह होते ही पूजा मजबूर होकर वापस गार्डन में गई और गार्डन में जाते ही पूजा फूल बन गई। गार्डन में बहुत से लोग व्यायाम कर रहे हैं। कुछ देर बाद सुबह सुबह ही पूजा का बेटा मृणाल गांधी गार्डन में आया। उसने सारे फूलों को देखा। वहां बहुत सारे फूलों के पेड़ थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे फूलों में से उसकी माँ कौन सी है। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद उसने एक खूबसूरत फूल को देखा और एक फूल को छूकर जोर से चिल्लाने लगा। ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। तुरंत ही उसकी माँ फूल से वापस उसकी माँ बन गई। माँ ने अपने बेटे को गले लगा लिया, आंखों में खुशी के आंसू थे। चुड़ैल भी तुरंत वहां आ गई। आखिर तुमने मुझे पहचाना कैसे? हाँ, मगर तुमने अपनी माँ को कैसे पहचाना? सारे फूलों पर ओस की बूंद है जो सिर्फ रात को होती है। सारे फूल रात में यहीं पर थे और माँ, तुम्हारे ऊपर ओस की बूंद नहीं थी क्योंकि रात में तुम घर पर थी मेरे पास, इसलिए मैंने तुम्हें तुरंत पहचान लिया। चुड़ैल ने माँ बेटे का प्यार देखा तो चुड़ैल बोली, बेटे, सिर्फ तुमने अपनी माँ को ही तकलीफ से नहीं बचाया बल्कि मुझे भी बचाया। मेरा तिलिस्म जादू टूटने से चुड़ैल की जिंदगी से मुक्त हो रही हूँ। भगवान तुम्हारे जैसा समझदार बेटा सबको दे। चुड़ैल तुरंत गायब हो गई। माँ बेटे ने भी कसम खाई कि कभी भी किसी पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शिक्षा, हमें पेड़ पौधों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दिल्ली की एक आम सोसाइटी में रहता था व्यास परिवार, जिसमें थी मम्मी अनीता और उनकी बेटी प्रिया। अरे प्रिया, तुम अपना टिफिन भूल गई। मम्मी रहने दो, अब मुझे लेट हो रहा है, मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं, मैं कैंटीन में कुछ खा लूंगी। ओहो, ये आजकल के बच्चे भी ना। तभी उनकी पड़ोसी बाहर आई। बिल्कुल सही मिसेज व्यास, मेरा बेटा भी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना,
सुबह से उसके लिए टिफिन तैयार कर रही थी और वो टिफिन छोड़कर चली गई। मैं समझती हूँ आप पर क्या बीत रही है, आजकल के बच्चे होते ही ऐसे हैं। अनीता और सुशीला रोज अपने अपने घरों से बातें किया करती थी। साल बीत गए पर इनका रूटीन नहीं बदला। इनके घर इतने नजदीक थे कि इन्हें गप्पे मारने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ता था। लेकिन एक रात इस सोसाइटी में एक चोर आया। उसने देखा कि सब घरों की कोई न कोई लाइट चालू है। लगता है ये सब लोग अभी तक जगे हुए हैं। मुझे बाद में आना चाहिए। लेकिन तभी उसकी नजर अनीता के घर पर पड़ी। ये घर में शायद कोई नहीं है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चोर पाइप के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर चढ़कर उसने एक तार की मदद से खिड़की की कुंडी खोल दी। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने अनीता और प्रिया की लाश थी। चोर पसीना पसीना हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। चोर वापस पाइप के रास्ते उतरा और भागने लगा। वो सीधा पुलिस स्टेशन गया और वहाँ के इंस्पेक्टर को सब कुछ बता दिया। हो सकता है चोरी करते वक्त तुमने ही उन दोनों का खून किया हो और अब बचने के लिए हमारे पास आए हो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो लाशें देखकर मैं डर गया और सीधा यहाँ आ गया। मैं चोर हूँ सर, हत्यारा नहीं। इसको गिरफ्तार कर लो हवलदार। चोर को जेल में बंद करके इंस्पेक्टर और हवलदार अनीता के घर के लिए निकले। इंस्पेक्टर ने अपना पंचनामा शुरू कर दिया। अगले दिन इंस्पेक्टर फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मिलने गए। सर, इन दोनों की मौत को 3 महीने हो गए हैं। व्हाट? ये लोग 3 महीने से मरी हुई हैं और लाश से कोई बदबू भी नहीं आ रही। यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है सर। अब तक तो लाश का डीकम्पोज होना स्टार्ट हो जाना चाहिए था। और मरने की वजह? चाकू से। प्रिया को किसी और ने चाकू मारा है और अनीता ने अपने आप को। ऐसा भी तो हो सकता है कि अनीता ने प्रिया को मारने के बाद खुद को मार लिया। हाँ, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है सर। यहाँ से निकलकर इंस्पेक्टर सुशीला के घर पहुँचे। सर, उन दोनों को किसने मारा? यही तो पता करना है। खैर ये बताइए, 3 महीने से आपका बगल वाला घर बंद है तो आप लोगों को शक नहीं हुआ? नहीं सर, कल तक तो सब ठीक था। सब ठीक था? अभी कल ही तो मेरी बात मिसेस व्यास से हुई थी। व्हाट? ये कैसे पॉसिबल है? उन दोनों को मरे हुए 3 महीने हो गए। क्या? नहीं सर, आप चाहो तो किसी से पूछ लीजिए। वो दोनों कल तक जिंदा थी। कल मैंने प्रिया को भी देखा था। ये सुनकर इंस्पेक्टर के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। इंस्पेक्टर ने और लोगों से पूछा तो सबका यही कहना था कि वो माँ बेटी कल तक जिंदा थी। कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन में थे, तभी सुशीला वहाँ आई। सर, कुछ तो गड़बड़ है। क्यों, क्या हुआ? आज भी उस घर की लाइट्स ऑन रहती हैं। रोज अगरबत्ती की खुशबू आती है। ऐसा लगता है कि कोई वहाँ है, पर पता नहीं कौन। लेकिन हमने तो वो घर सील किया था। सर, आप खुद ही इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। ठीक है, आज रात मैं खुद वहाँ आऊंगा। सुशीला वहाँ से चली गई और इंस्पेक्टर असमंजस में फंस गया। उस रात इंस्पेक्टर और हवलदार अपनी जीप घर से कुछ दूरी पर लगाकर बैठे थे। सर, अब तक तो सब ठीक ही लग रहा है और वैसे भी हमने घर सील किया है, कोई कैसे घर में जा सकता है? ये केस बहुत अजीब है। मर के 3 महीने हो गए और लोगों का कहना है कि वो लोग जिंदा थे। कुछ तो गड़बड़ है संजय, हमें पता लगाना ही पड़ेगा। ठीक है सर, आप चाहो तो सो जाओ, मेरी नजर है उस घर पर। नहीं संजय, इस केस ने मेरी नींद उड़ा दी है, मुझे कहां नींद आएगी। तो चलिए सर, आप और मैं फोन पे स्नेक एंड लैडर का गेम खेलते हैं। ये अच्छा आइडिया है, हम जगे भी रहेंगे और एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। इंस्पेक्टर और हवलदार
फोन पे स्नेक और लैडर का गेम खेल ही रहे थे कि अचानक अनीता के घर की लाइट्स ऑन हुई। वो देखो संजय, लाइट्स ऑन कैसे हुई? दोनों जीप से बाहर आकर खड़े हो गए और तभी अनीता अपने घर से बाहर आई। ये देखकर इंस्पेक्टर और हवलदार दोनों चकरा गए। हवलदार वहीं बेहोश हो गया। संजय, संजय, उठो संजय। भूत, भूत, सर भूत है। इंस्पेक्टर ने हवलदार को जीप में बिठाया और खुद अनीता के घर की ओर चलने लगा। इंस्पेक्टर ने दरवाजे का ताला खोला और अंदर गया। अंदर जाते ही उसे जोर जोर से झगड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने कहा ना प्रिया, वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। माँ, मैं उसे प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करूंगी। क्या इसी दिन के लिए तुमने पाल पोस के इतना बड़ा किया था? वो मुझे नहीं मालूम। उस लड़के की तीन तीन शादियां हो चुकी हैं और तीन तलाक भी। अब तक उसे समझने वाली कोई मिली नहीं इसीलिए। और माँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वो तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेगा जैसा उसने अपनी पहली तीन बीवियों के साथ किया था। माँ, तुम उसे नहीं जानती और वैसे भी मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? अब मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? ये समाज मुझे बोलेगा बिन बाप की लड़की को मैं अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। माँ, आपको अब भी समाज की पड़ी है, मेरी नहीं। मुझे तुम्हारी पड़ी है और तुम्हें इस समाज में ही रहना है, इसीलिए हम कल ही अबॉर्शन करवाएंगे। मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। तुझे कराना पड़ेगा। नहीं करवाऊंगी प्रिया, तुझे करना पड़ेगा वरना मैं। वरना क्या, आप मुझे मार देंगी? हाँ। मेरी प्यारी बच्ची। फिर अनीता ने खुद को भी चाकू मार लिया। ये सब इंस्पेक्टर ने अपनी आंखों से देखा और फिर इंस्पेक्टर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब इंस्पेक्टर को होश आया तब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। उसे मर्डर कैसे और क्यों हुआ वो तो पता चल गया था, लेकिन वो फाइल में क्या लिखता कि अनीता और प्रिया के भूत ने उसे ये बताया। अब भी इस घर में अक्सर अनीता और प्रिया झगड़ती हैं। पड़ोसी डर के मारे रात में अपने घरों से बाहर नहीं निकलते और ये घर दिल्ली की हॉन्टेड जगहों में गिना जाता है। नवी मुंबई की बढ़ती आबादी के साथ वहां जोर शोर से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। इन्हीं में से एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में काम करती थी नंदिनी, जो एक इंजीनियर थी। ये नंदिनी का फर्स्ट प्रोजेक्ट था एज एन इंजीनियर, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड थी। अब तक का काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, उम्मीद है अगले 6 महीने में बिल्डिंग का बेसिक कंस्ट्रक्शन फिनिश हो जाएगा और फिर मेरे करियर में अच्छी प्रोग्रेस होगी। इंजीनियर साहिबा, करियर के चक्कर में ये मत भूल जाना कि आपका एक हस्बैंड भी है जो आपका घर में वेट कर रहा है। याद है, अभी निकलने ही वाली थी और आपका कॉल आ गया। चलिए आप फोन कट करिए, मैं आती हूँ। नंदिनी हर दिन कई घंटों तक साइट पर बैठकर काम सुपरवाइज किया करती थी। 6 महीने बीत गए और अब बिल्डिंग के सामने लॉबी के कंस्ट्रक्शन के लिए फाउंडेशन का काम शुरू था। आराम से मनोज, संभाल कर। जी मैडम। नंदिनी को सारे वर्कर की बहुत फिक्र रहती थी। एक दिन नंदिनी हाफ डे में ही साइट से चली गई। नंदिनी को घर पहुंचकर बहुत सारी तैयारियां करनी थी क्योंकि आज उसकी शादी की पहली एनिवर्सरी थी। नंदिनी ने अपना घर डेकोरेट किया और फिर अपने हस्बैंड के लिए उसकी फेवरेट डिशेस बनाने लग गई। सब कुछ हो जाने के बाद नंदिनी ने एक बहुत अच्छी ड्रेस पहनी और अब वो रेडी थी। थोड़ी देर में विनोद घर आ गया। सरप्राइज, हैप्पी एनिवर्सरी। विश यू द सेम। मुझे लगा था तुम भूल गई थी। ऐसे कैसे हो सकता है मिस्टर हस्बैंड कि मैं अपनी एनिवर्सरी ही भूल जाऊं? मैं तो तुम्हारे गिफ्ट की तैयारी पिछले 1 हफ्ते से कर रही हूँ। ये देखो,
तुम्हें फोटोग्राफी का शौक है इसीलिए कैमरा। अरे वाह, आई लव यू नंदिनी। विनोद अपना गिफ्ट देखने में मगन हो गया। और मेरा गिफ्ट भूल गए क्या? विनोद ने नंदिनी को डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया, जो देखकर नंदिनी बहुत खुश थी। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक नंदिनी का फोन बजा। एक मिनट विनोद, साइड से फोन है। हेलो, हाँ मुकेश बोलो। क्या, कैसे? सुबह तक तो सब ठीक था। ठीक है, मैं आ रही हूँ। तुम अभी जाओगी? साइट पे एक प्रॉब्लम हो गई है, अर्जेंट जाना पड़ेगा। मैं 2 घंटे में आ जाऊंगी, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ प्लीज। ठीक है, पर जल्दी आना। नंदिनी अपने घर से साइट के लिए निकली। वो कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंची और वहां के सुपरवाइजर ने नंदिनी को प्रॉब्लम बताई। पर टेरेस का काम तो 1 महीने पहले ही हुआ था, अचानक वहाँ की वॉल में क्रैक कैसे आ सकता है? यही नहीं समझ आ रहा मैडम, आप चलकर खुद देख लीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं। नंदिनी सुपरवाइजर के साथ ऊपर गई और वहाँ दीवार पर आई हुई क्रैक देखने लगी। मैडम, अगर इस वॉल पे और लोड आया तो पूरी बिल्डिंग की वॉल में क्रैक आ जाएगा, पर ये क्रैक क्यों आया ये पता नहीं चल रहा है। नंदिनी सुपरवाइजर की ओर मुड़ी और अचानक उसका पैर फिसला और उसका बैलेंस बिगड़ गया। नंदिनी सीधा लॉबी की कंस्ट्रक्शन की रॉड्स पर गिर गई और वो रॉड नंदिनी के आर पार हो गई। नंदिनी को बड़ी ही दर्दनाक मौत मिली। उन्हें अक्सर नंदिनी की फोटो देखकर रोया करता था। कंस्ट्रक्शन का काम रुका नहीं, वो चलता रहा, लेकिन सूरज ढलने के बाद लोगों को नंदिनी की चीख सुनाई देती थी। चीख सुनकर लेबर भागने लगे। जैसे तैसे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हुआ। वहाँ लोग आकर रहने लगे, लेकिन हर रात लोग नंदिनी की चीखों से सहम जाते थे। फिर कुछ महीने बाद यहाँ एक औरत रहने आई, मधुलिका। मधुलिका एक मीडियम थी, मतलब वो आत्माओं से बातें भी कर सकती थी और आत्माएं उसके शरीर में दाखिल भी हो सकती थी। एक रात मधुलिका ने नंदिनी की आत्मा की चीख सुनी। वो उस दिशा में दौड़ पड़ी। मधुलिका ने देखा कि नंदिनी की आत्मा रो रही थी। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम मुझे देख सकती हो? हाँ, पर कैसे? क्योंकि मैं एक मीडियम हूँ, इंसानों और आत्माओं के बीच। तुम्हारी आत्मा यहाँ कैसे आ गई? नंदिनी की आत्मा ने उसे अपनी कहानी सुनाई। ओह, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, पर तुम्हारी आखिरी विश क्या थी जो अधूरी रह गई, जो तुम यहीं फंस गई? मैं अपने हस्बैंड को अपने हाथ से खाना खिलाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले मेरी मौत हो गई। मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर सकती हूँ और तुम्हें मुक्ति भी दिलवा सकती हूँ। क्या ये सच में हो सकता है? हाँ, अगली पूर्णिमा को मैं तुम्हें बुलाऊंगी। तुम्हें मेरी बॉडी में एंटर करना है, फिर अपनी विश पूरी करनी है और फिर तुम मुक्त हो जाओगी। लेकिन तब तक तुम किसी को नहीं डराओगी, प्रॉमिस? प्रॉमिस। अगले दिन मधुलिका विनोद से मिलने उसके घर गई। आप नंदिनी के हस्बैंड हैं ना? जी हाँ, पर शायद आप नहीं जानती कि नंदिनी को मरे हुए काफी वक्त हो गया है। मैं जानती हूँ, और ये भी कि अब तक नंदिनी को मुक्ति नहीं मिली। क्या मतलब आपका? मैं एक मीडियम हूँ, मतलब इंसानों और आत्माओं के बीच का दरवाजा। मैं आपको भी देख सकती हूँ और आत्माओं को भी, और कल ही मैं नंदिनी की आत्मा से मिली थी। आत्मा? विनोद, नंदिनी को अब तक मुक्ति नहीं मिली क्योंकि उसकी लास्ट विश अब तक अधूरी है। वो तुम्हें अपने हाथ से डिनर खिलाना चाहती थी। जब तक उसकी लास्ट विश पूरी नहीं होगी, उसकी आत्मा भटकती ही रहेगी। लेकिन अभी कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, शायद इसीलिए मुझे उस बिल्डिंग में लाया गया। मैं एक मीडियम हूँ, कोई भी आत्मा मेरे बुलाने से मेरी बॉडी में आ सकती है,
और अगली पूर्णिमा को नंदिनी की आत्मा मेरे शरीर में होगी, तब वो तुम्हें खाना खिलाएगी, शायद रोएगी भी, पर इससे उसे मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए आपको अगली पूर्णिमा की रात मेरे घर आना होगा। मैं जरूर आऊंगा। विनोद को सहानुभूति देकर मधुलिका वहां से चली गई। पूर्णिमा का दिन आया और मधुलिका ने सुबह से तैयारियां शुरू कर दी। उसने जमीन पर पेंटागन बनाया, अलग अलग पत्थर रखे और शाम से ही मेडिटेशन में बैठ गई। लगभग 7 बजे उसके घर की डोरबेल बजी और विनोद आ गया। अब जैसे ही मेरा मेडिटेशन खत्म होगा, मैं नंदिनी को बुलाऊंगी, फिर इस रूम की लाइट्स बंद हो जाएंगी और हवा तेज हो जाएगी और तब नंदिनी मेरी बॉडी में प्रवेश कर चुकी होगी। ये खाना मैंने बना कर रखा है, नंदिनी आपको ये खिलाएगी और देन बेहोश हो जाएगी, बस उसे मुक्ति मिल जाएगी। उसे कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? नहीं। ठीक है। और फिर नंदिनी का मेडिटेशन करने लगी। कुछ देर बाद, नंदिनी नंदिनी तुम्हारा विनोद आ गया है। बस इतना बोलते ही हवाएं तेज हो गई, कमरे की लाइट्स बंद चालू होने लगी और अब जब मधुलिका ने आंखें खोली तो विनोद, विनोद मैं तुम्हारी नंदिनी हूँ। रो मत विनोद, वरना मैं भी अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे को देखकर रोते रहे। नंदिनी तुम्हारी आखिरी विश। और विनोद ने नंदिनी के सामने प्लेट रख दी। नंदिनी ने रोते हुए एक रोटी का पीस तोड़ा और सब्जी में डुबोकर विनोद को खिला दिया। विनोद रोता हुआ खाना खा रहा था, नंदिनी उसे खिलाती गई और वो खाता गया। अब मेरे जाने का समय हो गया है। नंदिनी नंदिनी नंदिनी। और फिर नंदिनी बेहोश हो गई। विनोद कुछ देर तक रोता रहा और फिर उसने मधुलिका के चेहरे पर पानी मारा। आप ठीक हैं? जी हाँ, अब नंदिनी को मुक्ति मिल गई। अब उसकी चीख कभी किसी को सुनाई नहीं देगी। विनोद ने अपने आंसू पोंछे। थैंक यू। आजमगढ़ के एक घर में रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। और ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। रामानुज और उसका परिवार मद्रास के एक छोटे गांव में रहते थे। अम्मा हमको आजमगढ़ जाना ही होगा, मेरा ट्रांसफर हो गया है। तू और तेरी बीवी जाओ, मैं और स्वरा यहीं रहेंगे। पर अम्मा मैं तुम्हारे बगैर और अपनी गुड़िया के बगैर कैसे रह सकता हूँ? वो मुझे पता नहीं, मैं यहीं पैदा हुई हूँ और यहीं मरूंगी। वैसे भी मुझे नॉर्थ इंडिया नहीं जाना, वहाँ का रहन सहन और हमारा रहन सहन बहुत अलग है, और हमारी कुलदेवी वो भी तो यहीं है। मैं नहीं आ रही, तुझे चाहिए तो तू अपनी बेटी स्वरा को भी ले जा, वैसे भी वो बड़ी हो गई है। गांव में कॉलेज कहाँ है, वहाँ शायद इसकी पढ़ाई अच्छे से हो। अम्मा क्या यह तुम्हारा आखिरी डिसीजन है? हाँ। रामानुज के लाख मनाने के बावजूद उसकी माँ आजमगढ़ आने के लिए तैयार नहीं थी, तो रामानुज उसकी पत्नी और बेटी तीनों तैयारी करने लगे। स्वरा याद रहे, वहाँ जाकर हमारे संस्कार भूलना मत और रोज कुलदेवी की पूजा करना, वरना वो नाराज हो जाएंगी और कुलदेवी को मनाना बहुत मुश्किल है। जी दादी। और अगले दिन रामानुज अपनी पत्नी और बेटी के साथ सरकारी गाड़ी में निकल पड़ा, पर उन्हें क्या पता था कि उनके साथ क्या होने वाला था। वो लोग तो बहुत खुश थे। कितना अच्छा होता ना अगर
अम्मा हमारे साथ आती तो? तू तो अम्मा को जानती है, कितना समझाया मैंने लेकिन वो माने तब ना। खैर तुम बस ये याद रखो कि हमें जल्द से जल्द उन गांव वालों के साथ घुल मिल जाना है। हाँ हाँ मुझे पता है। और आपको स्वरा के लिए नया कॉलेज ढूंढना है? वो मैंने अपने कलीग को बोल दिया है, हमारे जाते ही वो स्वरा का एडमिशन अच्छे कॉलेज में करवा देगा। रामानुज और उसके परिवार को आजमगढ़ पहुंचते पहुंचते सूरज ढल गया। जब वो लोग गाड़ी से नीचे उतरे तो उन्होंने चंद्रमा को देखा और नमस्कार किया। तभी उसका ऑफिस का कुलीग वहां पहुंचा। आपका सफर कैसा था? ठीक था, बस थोड़ी थकान हो गई है। अभी आप लोग गाड़ी से उतरे तो आपने किसे नमस्कार किया? अच्छा वो हमारे कल्चर में चंद्रमा को भी नमस्कार करते हैं, जैसे सुबह सूर्य देवता को करते हैं। अच्छा, लेकिन थोड़ा ऑड नहीं है चंद्रमा को नमस्कार करना? हमारे यहाँ तो सभी करते हैं, इसलिए हमारे लिए तो ये कॉमन है। अच्छा विवेक, कल सुबह किसी पंडित जी को बुलवा दो, सबसे पहले घर में कुल देवी की मूर्ति की स्थापना करनी है। हाँ हाँ, वो मैंने पंडित जी को बोल दिया है, वो सुबह 6 बजे आ जाएंगे, तब तक आप सब लोग रेस्ट कर लीजिए, मैंने खाना भी टेबल पर रेडी रखा है। थैंक यू विवेक, सो काइंड ऑफ यू। विवेक वहां से चला गया। रामानुज और उसका परिवार घर के भीतर गया। सफर की वजह से उन्हें बहुत भूख लगी थी तो वो फ्रेश होकर सीधे खाना खाने बैठे। अम्मा डोसा नहीं है? स्वरा ये नॉर्थ इंडिया है बेटा, यहाँ डिनर में डोसा नहीं खाते। पर हम तो खाते हैं ना। तुम अभी ये पराठा और सब्जी खा लो, कल मैं तुम्हें डोसा बनाकर खिलाऊंगी। स्वरा को ना चाहते हुए भी पराठा और रोटी खानी पड़ी। फिर वो लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। अगली सुबह पंडित जी आए कुल देवी की मूर्ति की स्थापना करने। जजमान, आपकी कुल देवी की मूर्ति की स्थापना करनी है ना? हाँ हाँ, आप अंदर आइए। पंडित जी पूजा घर में मंत्रों का जाप करने बैठ गए। कुल देवी की मूर्ति लाइए और एक टॉप में दूध भी लाइए। रामानुज की पत्नी दूध का बर्तन लेकर आई और रामानुज एक लाल कपड़े में लिपटी हुई कुल देवी की मूर्ति लेकर आया। रामानुज ने वो मूर्ति पंडित को दे दी। पंडित ने मूर्ति का दूध से अभिषेक किया। ऐसी मूर्ति मैंने पहली बार देखी है, कौन सी देवी की प्रतिमा है ये? ये रुद्र भैरवी की मूर्ति है। रुद्र भैरवी की मूर्ति तो ज्यादातर तांत्रिक और अघोरी पूजते हैं ना? नहीं नहीं पंडित जी, हमारे गांव में सभी लोग रुद्र भैरवी को ही पूजते हैं। ठीक है, मैं मूर्ति की स्थापना करता हूँ। पंडित जी ने मंत्रों के साथ मूर्ति की स्थापना कर दी। फिर वो अपनी दक्षिणा लेकर वहाँ से चले गए। जब मंदिर में रामानुज के पड़ोसी आए तो पंडित जी ने उन्हें बताया, संभल कर रहना, तुम्हारे बगल वाले शायद तांत्रिक हैं। वो तो बहुत सीधे साधे दिखते हैं। ये लोग तांत्रिक हैं क्या? पता नहीं, पंडित जी तो बोल रहे थे। वो देखो, वो लोग छत पर खड़े रहकर चंद्रमा को नमस्कार कर रहे हैं। फिर तो ये लोग पक्का तंत्र मंत्र वाले होंगे। पड़ोसी आपस में फुसफुसाने लगे। फिर एक दिन पड़ोसियों ने एक सभा बुलाई। हमें ऐसे तंत्र विद्या वालों को हमारे मोहल्ले में नहीं रहने देना चाहिए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने तो सुना है ये तंत्र मंत्र वाले बच्चों की बलि भी देते हैं। मेरा तो सोचकर ही मन घबरा रहा है। हम लोगों को इन्हें इस मोहल्ले से निकाल देना चाहिए। निकाल देना चाहिए। निकाल देना चाहिए। निकाल देना चाहिए।
सारे पड़ोसियों ने झुंड बनाया और वो रामानुज के घर पहुंच गए, जहां रामानुज और उसका सारा परिवार उनकी संध्या आरती कर रहा था। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तुम लोग हो, तुम लोग तंत्र मंत्र करते हो। हम तुम जैसे लोगों को हमारे मोहल्ले में नहीं रहने दे सकते। तुम्हें ये मोहल्ला छोड़ना ही होगा। नहीं नहीं, आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है, हम ऐसा कुछ नहीं करते। फिर ये मूर्ति? ये हमारे कुलदेवी रुद्रा भैरवी की मूर्ति है। क्या ये भूतों की देवी नहीं है? है, लेकिन ये हमारी कुलदेवी है। सारे पड़ोसी रामानुज के परिवार की ओर बढ़ने लगे और गलती से रामानुज की पत्नी की साड़ी में दिए की आग लग गई। बचाओ, बचाओ! रामानुज बचाने आया और उसी हड़बड़ में उसका दूसरा हिस्सा गिर गया, जिससे आग भड़क उठी और रामानुज और उसका परिवार जलने लगा। हमारी मदद करो, मुझे कोई बचाओ, हमारी मदद करो, help! हमारी Please मदद करो। पूरा परिवार मदद की भीख मांगता रहा, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए घर से भाग निकले। इस दिन के बाद से हर रात इस घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। पड़ोसियों में हिम्मत नहीं कि वो रात को इस घर के आसपास भी भटक सकें और इस घर को भूतिया परिवार के घर के नाम से जाना जाता है। आज भी रामानुज का परिवार रोज उस आग में जलता है।